वेलकम टू एक और कुकिंग की लड़ाई इन द दोस्ती यारी स्पेशल वीक ऑन किचन चैंपियन पावर्ड बाय रिलायंस स्मार्ट। आज के मेरे पहले WTF यानी वंडरफुल टेलीविजन फ्रेंड है हाँ? मुझे विकास भैया से कुछ बोलना है। बोलो। विकास भैया आप मास्टर माइंड हो ना। वो मैं अपनी माँ को पहनाऊं। तेरा हो गया तो तू सबकी बर्बादी में लगा हुआ है ना। पूरे एपिसोड में मैं विकास को गुपचू बुलाऊंगा। गुपचू नहीं है, गुचीपू है। अच्छा गुचीपू ये है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे बहुत शौक है खाना बनाने का। हमने बच्चों को खिला खिला के बहुत बड़ी झूठी है मेरी मम्मी। हाँ जी बोर्डिंग स्कूल में डाला था मेरे को। बहुत काम करती है, बाहर की सारी चीजें हैंडल करती है, जरूरी नहीं है लेकिन किचन में भी थोड़ी बहुत चीजें करती है मम्मी। नहीं नहीं देखो हॉस्टल में इसलिए डाला था कि हम लोग देहरादून में तो पढ़ाना चाहते थे और अच्छी पढ़ाई देना चाहते थे जो आज तुम यहाँ पे हो। वेरी गुड। ठीक है इसलिए मैंने हॉस्टल। ये देखिए बच्चों हमारे ये WTF कितने दुबले हैं। आंटी जी क्या आस पड़ोस वाले खा जाते हैं इसका खाना? नहीं नहीं नहीं। तो फिर ऐसी हालत क्यों है आंटी? लगाना, सब्जी छौंकना। मुझे आटा लगाना आता है। गोल रोटी भी बनाना। गोल रोटी बनाना। वेरी वेरी गुड। रोटी सेकना। सब आता है। ऐसे ही लड़कों के लिए लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती हैं आंटी। जानते हैं ना भैया? हाँ। मैंने आजकल बहुत टीवी सीरियल्स में देखा कि आप बहुत डांस करते हो। तो मेरे भी कुछ स्टेप्स फॉलो कर दो। ओहो। ओह माय गॉड। बिल्कुल। आ जाओ यार, आ जाओ। विकास
चलो सबसे पहले तुम पूरे बाल टिकाने सारे बाल टिका देगा वो टेंशन मत ले वेरी नाइस तो ये पैंट का टिकरी है हाँ जी बिल्कुल बहुत इजी है आजा मैं तुझे एक स्टेप सिखाता हूँ इधर आ ये स्टेप उतर और निकल ले विकास और शांतनु एक बार खोया हुआ प्यार आपको वापस मिल सकता है लेकिन गाड़ी पोछने का कपड़ा अगर खो जाए तो वो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा आपने गौर किया होगा कि इस बात का नाश्ते से कोई नहीं है वास्ता इसीलिए हमारा पहला राउंड है नाश्ता का वास्ता आज नाश्ते में क्या बनाने वाले हैं मकई का ढोकला विद केचप या फिर हरी चटनी विद हरी चटनी ओके वेरी गुड है क्या आप क्या बनाएंगे मम्मी बनाने वाली है मेथी ढेबड़ा विद दही ढेबड़ा दही मैं बनाऊंगा मम्मी मेथी ढेबड़ा बनाएंगे तो शुरुआत करते हैं आपसे शांतनु सबसे पहले बताइए इसमें क्या क्या सामग्री डलती है मगी का ढोकला बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो है ढोकला बनाने के लिए हमें चाहिए मकई का आटा उबले मटर हल्दी हरी मिर्च हरा धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर कसा हुआ अदरक सौंफ जीरा बेकिंग सोडा नमक पानी तड़के के लिए तेल राई जीरा कड़ी पत्ता गार्निश के लिए चाट मसाला और हरा धनिया अच्छा चलिए शुरू करते हैं बताइए मुझे कैसे क्या करना है बिल्कुल बताओ मम्मी अब आपका काम शुरू आपकी मम्मी आपकी गुरु रही है बेसिकली या बिल्कुल बिल्कुल शी हैज बीन शी टुक ऑल द पेन की कहाँ पे ज्वाइन करवाना है कैसे सिखाना है क्या नहीं करना है और बहुत मार भी खाई है मैंने एक्सप्रेशन सही नहीं देने के लिए डांस सही से नहीं कर रहा इधर पार्ट सही से करो ये वाला पार्ट में अच्छे से एक्सप्रेशन देना तो आपने आंटी इसमें क्या क्या डाला आपने अभी कैसे शुरुआत की इसमें मैंने मकई का आटा डाला पीस डाले स्मैश करके धनिया पाउडर थोड़ी हरी मिर्च बेकिंग सोडा नमक हल्दी जीरा सौंफ धनिया पत्ती और अदरक पिसा हुआ और थोड़ी लाल मिर्च ओके अब इसको मैं पानी डाल के आटा लगाते हैं ना जैसे रोटी का उस टाइप से आटा लगाऊंगी आंटी बहुत सी माओ की इच्छा रहती है कि उनकी बेटी हो आपकी भी इच्छा होती वो चांस ही उसके लिए लिया था बेटी के लिए पर ये बेटा आ गया तो जब आपको पता चला कि ये बेटा निकला तो आपने अपनी भड़ास कैसे निकाली इसको फ्रॉक वॉक पहनाया एक दो बार फ्रॉक पहना फिर उसके पापा गुस्सा करने लग गए क्या लड़की की तरह उसको ऐसे ही करने लग जाएगा फिर शांतनु जब आप छोटे थे आंटी आपको जबरदस्ती शॉपिंग के लिए ले जाती थी हाँ क्या सामान उठाने के लिए लेकर जाती थी हमने शॉपिंग झूठ बोलता है थोड़ा क्या झूठ बोल रहे हैं बैग उठाने साथ में रहेगा बच्चा तो कुछ तो काम करेगा वैसे नहीं लगता उसकी चॉइस अच्छी लगती थी तो उसको चॉइस करने साड़ियां खरीदने जाती थी अंडिया मेरे लिए चॉइस करता था ये मम्मी आपकी अच्छी लगती लगे साड़ी की चॉइस करता था तो आपको साड़ी का पूरा नॉलेज है काइंड ऑफ ये रही मेरे पास दो साड़ियां आज हेलो भाभी जी प्लीज बैठिए ना कौन सी कैसे टाइप मुआ भाभी किसको बोल रहा है मैं
मैं ऐसे शॉप में नहीं गया था। मेरी बहन आई है। हाय। बहुत अच्छा पहनती है। नमस्ते नमस्ते। ठीक है आइए हम थोड़ा ऐसे बैठते हैं। ये आपको मैं बस फटाफट करके बता देता हूँ। ये देखिए। आइए इधर आइए। यहाँ थे भैया। ये एक्चुअली मैं सच बताऊं, मुझे ये येलो और ब्लू पसंद ही नहीं, मुझे तो कुछ और हरी लीजिए ना, हरी और उसको पीलिया हो गया। नहीं मुझे नहीं चाहिए। पिंक लीजिए। ये तो मेरे को चाहिए थी। तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। इसकी तो अगले महीने शादी है ना। अच्छा जी, आप वहां क्या दिखा रहे थे, वहां से और साड़ियां निकालिए, मैं ये लेके निकल। आंटी शांतनु ने मतलब बड़े होकर तो बहुत ही कंपटीशन जीते, बचपन में क्या कुछ जीता इसने? बचपन में भी जब 6 महीने का था क्या हेल्दी बेबी कंपटीशन जीता। एक बच्चा तो हैंगर पे लटका के दिखा रहे थे। बच्चों की क्या हालत होगी अगर ये हेल्दी था तो। अब पैन में पानी गरम कर ले, गूंदे हुए आटे को अब छोटे छोटे गोलों में बना ले और उनमें छेद कर ले। ये इसमें डालेंगे पानी में। हाँ। अच्छा ओके। फिर वो बॉईल होंगे, जब वो बॉईल हो जाते हैं ना अपने आप ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं। ओके। हाँ। अंडी साइड बाय साइड तड़के की भी तैयारी कर लें क्या? हाँ। हाँ। तड़के के लिए तेल गरम कर ले, उसमें राई डाले और तड़कने दे, फिर जीरा और कड़ी पत्ता डाल ले। जब तड़का रेडी हो जाए तो उसमें पके हुए गोले डाले और फ्राई करें। चलो ये तो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, मैं अब विकास और आंटी के पास चलता हूँ। सबसे पहले बताओ विकास, इसमें सामग्री क्या क्या डलती है? मेथी देबड़ा बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो है मकई का आटा, बाजरे का आटा, गेहूं का आटा, सूजी, मेथी के पत्ते, हल्दी, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, सफेद तिल, अजवाइन, नमक, जीरा, गुड़, तेल और पानी। सबसे पहले गेहूं का आटा डालेंगे। कितना? 1 चम्मच। ठीक है। हाँ, थोड़ा डालो। हाँ, डालो थोड़ा। फिर बाजरे का आटा डालेंगे थोड़ा। वैसे विकास मुझे किसी ने बताया है और कि आप 24 घंटे खा सकते हैं। 24 घंटे नहीं, मैं अगर एक और घंटा होता वो भी खा लेता। पिछले जन्म क्या भूखे थे आप? आप बोर्डिंग स्कूल में पले बड़े हो। हाँ, तो वहाँ खाने के लिए आप जुगाड़ क्या करते थे? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करते थे हम लोग। जैसे? जो कि हमारा किचन होता था वहां से मंडे चोरी किया करते थे। मोमबत्ती क्यों? अच्छा, रात के टाइम मोमबत्ती जला के उस पे अंडे बनाया करते थे। सबको ऑर्डर देने वाला आदमी जब आज खुद ऑर्डर ले रहा है कैसे लग रहा है? यार माँ से ऑर्डर लेने में बड़ा मजा आता है। चलिए
अभी बताइए आंटी, आप मुझे क्या क्या किया आपने, इतने जल्दी कैसे बना दिया? इसमें गेहूं का आटा डाला है और बाजरे का आटा लगाया और उसमें मक्के का आटा और सूजी लगाई, थोड़ा सा गुड़ डाला, थोड़े से पत्ते मेथी के, नमक डाला, अजवाइन, सफेद ये तिल डाले और हल्दी का और अदरक का पेस्ट लगाया और ये लहसुन का पेस्ट लगाया। अब ये दही के साथ परोसे जाएंगे, बहुत मजा आएगा, मजा आएगा। अभी इसको अभी आपने बेल दिया छोटे छोटे पूरी टाइप और अभी इसको फ्राई कर, फ्राई चलिए। हाँ, आराम से डालना एक किनारे। आंटी मुझे सच सच बताइए कि आपका सबसे लाडला बेटा कौन है? सिद्धार्थ। नहीं, ऐसा है, बच्चे माँ के लिए सारे बराबर होते हैं और मेरे चारों बच्चे। आंटी यार देखो, मेरा भी एक छोटा भाई है बच्चों में माँ, लेकिन मेरी मम्मी मुझसे ज्यादा प्यार करती है, ऐसा मैं मानता हूँ। किससे लगाव है? देखो ये सबसे बड़ा है, पिता के समान है, इसने अपने पिता का भी फर्ज निभाया है, इसलिए मेरे लिए बहुत अच्छा। ये जब 3.5 साल का था तो हम उधर बरेली में रहते थे तो वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं थी। इसके पापा से कहा कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, हॉस्टल में डालना है, तो वो तैयार हो गए मेरी बात पे। अब ये रोने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा। मैंने, क्यों मम्मी, जब मैं चला जाऊंगा ना तो पापा तुम्हें मारेंगे, तो बचाएगा कौन? मम्मी क्या बनाया आपने? देता अपना नहीं देता, इस बात का दुख है। हाँ देखिए कितना दुबला हो गया। अपना ध्यान नहीं देता। तो शादी क्यों नहीं करवा देती आंटी आप? शादी तो शादी, तुम्हारा क्या शादी का बिजनेस खुला है नया? खाना बन चुका है, दोनों का नाश्ता तैयार है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी आप खाने को सजा दे। फाइनल टच गार्निशिंग, चाट मसाला, चाट मसाला और धनिया, धनिया, चाट मसाला और धनिया। विकास और हमारा क्या कर रहे हो? सीक्रेट रेसिपी उसमें डाल रहे हैं। ओके, इट्स डन। खाना बन चुका है मेरे तन। स्टैचू पहली बार शांति से यहाँ मैं इनको खड़ा कर रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। वाह वाह वाह, मैं यहाँ भी। अरे चुप रहे, स्टैचू बोला है ना। हाँ ठीक है, चलो ऑफ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं विकास से, प्लीज अपने प्यारे हाथों से इन्हें खिलाइए एक एक करके। सबसे पहले परी को खिलाइए।
शांतनु एक बार मुझे चटनी के साथ देना और एक बार सॉस के पहले सॉस के साथ इसे चटनी बहुत पसंद है चीजों के साथ अभी चटनी के साथ पहले खा ले आराम से इतना खट्टा है यार बहुत खट्टा है अच्छा सॉस खट्टा है या ये खट्टा है नहीं 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 आप खाओ जो आप बोल रहे सही बोल रहे लेकिन थोड़ा लास्ट में ना थोड़ा फिक्का फिक्का टेस्ट आ रहा है हाँ फिक्का फिक्का अच्छा हेयरबैंड भी तो रेड पहना आपने हाँ याद आया ना चलो शांत है ना भैया ना बहुत कटा है ना फीका फीका लग ही रहा है फीका फीका लग रहा है अरे कुछ नहीं है मम्मी आंटी आप क्यों टेंशन ले रही हो चलिए परी सबसे पहले आप रिजल्ट दीजिए उनको ज्यादा अच्छा गिफ्ट मिल गया आपको बॉल मिली प्यारी अरे बॉल ले लिया मैं ये स्माइली बॉल देना चाहूंगा विकास भैया को विकास को मिले हैं दो स्माइलीज और शांतनु को मिला है एक स्माइली चलिए नाश्ता का वास्ता की विनर है शारदा जी और विकास पर डोंट वरी हाँ जी शांतनु और संध्या जी आप अभी तक हारी नहीं है क्योंकि अभी भी एक राउंड बाकी है नाश्ता का वास्ता और आखिरी कड़ाई मिलाकर ही तय होगा कि कौन बनेगा किचन चैंपियन और पहनेगा वो 11 करोड़ का असली सूती का था जो हारेगा ये जंग उसे ये बच्चे सबसे बड़ा डिश द्रोही करार देंगे और उसे मिलेगी सजाए माउथ यानी कि जो बच्चों के मुंह से सजा निकलेगी वो होगी सजा करेक्ट नाश्ता का वास्ता तो बंदूक की गोली थी पर अब आएगा तोप का गोला ये है लड़ाइयों में लड़ाई आखिरी कड़ाई चल परी ओ थ्री टू वन गो
ये ब्रोकली है, ब्रोकली। तो अपनी तैयारी का गुलखंड बनाकर उसे चाट के खाइए। को जीतने वाले की सामग्री जापानीज रोबोट्स अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के जरिए आपके कुकिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंचा देंगे, जबकि हारने वाला 8000 सालों तक शैंपू से ब्रश करेगा, क्योंकि उसे मिलेगा खूंखार डिश एडवांटेज। आज का आईकेके है चिंच पोकली के चिरकुट की चिक्की गिरी तो चाव चाव में हुआ गड्ढा, चल खजूर भर गुब्बारे इन योर दादाजी का चड्डा। इस खेल में खिलाड़ियों को अपने अपने दादाजी का ट्रिपल एक्सेल साइज चड्डा पहनना पड़ेगा। जैसे मैं टाइमर शुरू करूंगा, खिलाड़ी को ज्यादा से ज्यादा गुब्बारे अपने चड्डे में अंदर भरने होंगे। एक मिनट के अंदर जिसके चड्डे में ज्यादा से ज्यादा गुब्बारे आएंगे वो जीत जाएगा। काउंटडाउन दे दें, 3, 2, 1 गो। मिनट इधर ही उतारो मत, हमें बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। बहुत खराब लग रहा है ये काम करते हुए, लेकिन बिल्कुल मुझे भी कोई वेरी नाइस क्या बात है। क्या बात करें, एक से तो स्कोर है विकास 23 और शांतनु 25। ये गेम शांतनु जीत गया है। शांतनु ने पाई है जापानीज रोबोट से अपनी सामग्री, जबकि विकास ने इस आईकेके को हार कर टीवी इंडस्ट्री को कलंकित किया है। इसीलिए इन्हें अपनी सामग्री खुद पैंट्री से लानी होगी, लेकिन ऐसे नहीं गोनी के अंदर। गोनी बोले तो लाओ, मैं सामग्री पकड़ता हूँ, नहीं तो ब्रोकली सब पे चली जाएगी। आ जाओ बकरी। मैं
ओके सबसे पहले बताओ सामग्री क्या है। ब्रोकली पिंक सॉस बेक विद गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो है तेल, लहसुन, टमाटो प्यूरी, काली मिर्च पाउडर, नमक, फुल क्रीम, कटी हुई ब्रोकली, ब्रेड क्रम्स, तुलसी के पत्ते और ग्रेटेड चीज। इसमें तेल डालेंगे अभी। ओके। फिर गार्लिक डालेंगे। ओके। फिर प्याज डालेंगे। प्याज डाल के फिर उसमें डालेंगे हम टमेटो प्यूरी। ओके। अच्छा शांतनु, हाँ मुझे एक बात बताओ, आपके डाइनिंग टेबल ने मुझे बताया कि अगर आप एक्टर नहीं होते, डांसर नहीं होते तो एक कबाड़ी वाले होते, क्यों? हाँ मैं कबाड़ी वाला होता क्योंकि मुझे कबाड़ी जो फालतू चीज है उसको कलेक्ट करने का बहुत ज्यादा शौक है। टीवी जब आता है तो टीवी में थर्मोकोल से तो पता है थर्मोकोल का प्रोटेक्शन, तो उससे कुछ बनाता था, उससे टीवी बनाता था, उससे स्क्रीन लगाता था, हाँ, फिल्म पेपर से, और उसके अंदर खुद बैठ के एक्टिंग करता था। अच्छा उस समय वो गोविंदा सर शांतनु पपेट शो। हाँ आंटी बताइए आप अपने इसमें क्या डाला? प्यूरी के बाद मैंने उसमें पेपर और सॉल्ट डाला, फिर थोड़ा सा उसको सौते करके फिर क्रीम डाला। ओके अभी बन गया सॉस। अब मैं ये ब्रोकली है जो ये हमने स्टीम करके रखे है, ये इसमें बेकिंग ट्रे में। ब्रोकली जैसे फ्रेश सामग्री आप खरीद सकते हैं आपके नजदीकी रिलायंस स्मार्ट से। चलिए आप लोग ये कीजिए, मैं विकास के पास चलता हूँ, आंटी के पास। बताइए सबसे पहले कि इसमें क्या क्या सामग्री डलती है। ब्रोकली चीज पराठे बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो है तेल, प्याज, कटे हुए ब्रोकली, नमक, हरी मिर्च, हींग, काली मिर्च पाउडर, काजू, किशमिश, ग्रेटेड चीज और गेहूं और मैदे का आटा। विकास आपको पहला काम इंडस्ट्री में क्या मिला था और कैसे मिला था, किसने दिया था, कुछ याद है आपको? मेरा पहला काम इंडस्ट्री में एक्चुअली मिला ही नहीं था, मैं मांगने गया था। मैं बहुत छोटा था उस वक्त, आई थिंक मैं 17 का टच कर रहा था, और यहाँ मैंने जॉब ढूंढने की बहुत कोशिश करी थी जो मुझे नहीं मिली थी। जॉब के लिए अप्लाई किया था और जहां मुझे इंटर्न का जॉब नहीं मिला था बिकॉज मैं ग्रेजुएट। बांध के ना घर में, और हर किसी घर की बात होती है, वो माँ होती है और उनको हमेशा ये लगता है कि मैं क्या करूं। बंद कर दिया, हाँ। बंद हो गया ना, वो सुनेंगी नहीं अभी, वो इमोशनल रहती है। वैसे तो हम सबके लिए हमारी माँ बहुत स्पेशल है, लेकिन आज आप अपनी मम्मी के लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं? चलो मम्मी, आज आपको मैंने मना किया था डांस करने के लिए, हाँ सुनो तो।
मैंने इसमें पहले ऑयल डाला, उसके बाद ब्रोकली, प्याज, हरी मिर्च, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा ये लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा ये काली मिर्च, ये सब मैंने डाल के इसको फ्राइड करा। अब उसके बाद जब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया ना, तो अब मैंने चीज डाला इसमें। अब इसको मैं आटे के अंदर भर के उसको पराठा बनाऊंगी। जी, और इसमें थोड़ा सा काजू और किशमिश डाला है। ये आटा कैसे बनाया आंटी, किस चीज का? इसमें मैदा और आटा मिक्स किया, मैदा और आटा, उसको मैंने लोट बनाया। ओके आंटी, और ये मैंने इसके अंदर डाला, थोड़ा कम डाला। हाँ, थोड़ा ही डाला। वो क्या बात है, वाह वाह, ये बिग बॉस की सिखाई हुई तकनीकें हैं। शिल्पा जी एंड अर्शी जी, शुक्रिया। ये घुमाते रहेंगे अपना पराठा, मैं शांतनु के पास चलता हूँ कि इनका बेकिंग का क्या। अच्छा, वाह वाह वाह। आंटी आपने क्या क्या डाला इसमें अभी? सबसे पहले ब्रोकली, फिर पिंक सॉस, देन ब्रेड क्रम्स, फिर तुलसी के पत्ते, तुलसी के पत्ते को हाथ से टुकड़े करके, और अब चीज डाल दें। और अब हम इसे अवन में डाल देंगे बेक होने के लिए। ये 240 डिग्री के टेम्परेचर में रखना है, अराउंड 8 से 10 मिनट के बीच। ओके, होता है खाने को सजाने का टाइम आ गया है। क्या आपने सजाया है? Yes, बिल्कुल सजाया है, बस लास्ट टच अप दे दो आप, एंड टच अप। ओ, ये क्या कर रहे हो आप? इसे कहते हैं सजाना। सजाना, ठीक है, कैसे सजा रहे हो? ओ वाओ, दिस इज हाउ यू डू इट, ब्यूटीफुल। मुझ पर मोहब्बत का सावन बरसाने आ रही है कुंवारों का ख्वाब जल परी। अचार खाना तो ना खूब सारा, तुमको गुदगुदी हो रही है तुम्हें? भैया मुझे किशमिश सलाद। ओके सब, अभी गर्वित को खिलाया जाए, मुझे किशमिश सलाद दो। ये किशमिश डाल के मैं यहाँ डाल देता हूँ, है ना? चलो चलिए, वाह 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 वाह, शांतनु की। बिल्कुल, वाह, आप मुझे ऐसे मत दो, आप थोड़ा स्टाइल होगा, इस पे डाल के दो। ठीक है गर्वित, वेरी गुड। गर्वित इतना बड़ा बाइट कैसे खाएगा बेटा? और खाना है गर्वित? खाना भसक ले। बहुत अच्छा पिंक सॉस है ना, चीज तो पूरा कूट कूट के लेना।
ठीक है, सबसे पहले बारी है परी की। परी, आप ये स्माइली बॉल किसे देना चाहोगी? मैं ये स्माइली बॉल ओके कि जो मुख्य सामग्री थी ना वो मुझे नहीं पसंद आई, और इसको इसके बिना खाऊंगा। क्या स्वाद है, क्या स्वाद, ऐसा खाने की तारीफ ही नहीं हो पाएगी। स्माइली बॉल देना चाहूंगी मैं, ये स्माइली बॉल देना चाहूंगी। यानी कि नाश्ता का वास्ता और आखिरी कढ़ाई की स्माइलीज मिलाकर आज के किचन चैंपियन है विकास और शारदा जी। आपको मिलता है 11 करोड़ का किचन चैंपियन का ताज। चांदनु, आपको बच्चों ने करार दिया है सबसे बड़ा डिश द्रोही, और आपको मिलेगी सजाए माउथ। कौन सी क्या करनी है ये बच्चे चिल्ला चिल्ला के हमें बताएंगे। पहला वाला है टूथपेस्ट। बच्चों खाओ या लगाओ? ये होगा खाओ। किसने कहा कि सपने पूरे नहीं होते? बरसों पहले जो विकास की स्ट्रगल शुरू हुई थी, आज किचन चैंपियन के 11 करोड़ के असली सूती के ताज को पहनकर उसे एक मुकाम मिला। आप भी सपना देखते रहिए, पर शादीशुदा है तो सपना चौधरी को मत देखिए, और सोमवार से शुक्रवार दोपहर को 1:30 बजे देखना ना भूले दोस्ती यारी वीक ऑन किचन चैंपियन पावर्ड बाय रिलायंस स्मार्ट ओनली ऑन काज के ऑफिस वाला चैनल कलर्स। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.